हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मिसेस पूनम पंकज नेगी। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 8 बजे से, और आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा कि नेगी जी आ रखे हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह बना रही हूँ नाश्ता, और नेगी जी ना नाश्ता करने के बाद वापस जाने वाले हैं, वो आज रुकने वाले नहीं हैं। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सोया चिली। तो अभी मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्या नाम है इनका, सोया चंक्स। तो एक उबाल आके मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पर मैं काटती हूँ प्याज, और थोड़ा सा मेरे पास कैप्सिकम थी तो उसको काटती हूँ। तो चलो फिर अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बाकी मैं आपको हल्का फुल्का दिखाते रहूँगी कि कैसे बना रही हूँ मैं। और ये मैं ना फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं। हालांकि मुझे पता है कि कैसे बनाते हैं, बस आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं नेगी जी को मेरे हाथ का कैसा लगता है। तो गाइज, यहाँ पर मैं सोया चिली की तैयारी कर रही हूँ, और मेरी बेटी उठ के आ चुकी है। ये रहा मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये उठ के खुद से आ जाती है कभी कभी, ऐसे वो नींद पूरी होगी, जाओ पापा के पास, जाओ पापा के पास, मुंह देखो छुएगा। गुड मॉर्निंग, ये कौन है? शुभी और माँ। शुभी मुझे ना माँ माँ बोलती है, और कभी कभी जैसे मैं पास में नहीं होती तो मम्मी बोलती है। जाओ पापा के पास, जाओ 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 पापा के पास जाओ, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए लेके आती हूँ कुछ, जाओ। हाँ, तो आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने प्याज काट के रख दिया है, और कैप्सिकम काट के रख दिया है, और लहसुन और हरी मिर्च, और यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो मैंने यहाँ पे उनको भी अच्छे से कूट लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है क्योंकि गर्म हो जाए तो उसको कम कर देती हूँ। और साथ में जो मैंने सोया चंक्स उबालने के लिए रखे थे ना, बस एक उबाल आया, उसके बाद मैंने उसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने इसको ऐसे स्क्वीज करके रख दिया है। ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ा इसका मैंने, थोड़ा बहुत ही निचोड़ रखा है, तो बाकी इसमें मैंने रख दिया था छानने के लिए। बस अभी इसमें ना मैं मसाले ऐड करती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं मसाले ऐड, कौन कौन से मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। चलो, ये छन्नी वाली मैंने ले रखी है। तो अभी सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम लोग ना लाल मिर्च नहीं खाते, इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर लेके आई हूँ, मतलब रखे रहती हूँ मैं, कभी भी काम आ जाएगा। और तो चलो फिर मैं तैयारी बाद में करूँगी, पहले शुभी को देख लेती हूँ, उसके बाद तैयारी करूँगी। शुभी मेरा टॉप लेके आई हुई है। हाँ बेटा, मम्मा का टॉप लेके क्यों आए आप? इसको पहनना है मम्मा ने आज, इसको पहनना है बोल रहे इसको पहले। चलो शुभ को पापा के पास छोड़ के आती हूँ, और इसको पहले कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। अभी गैस बंद कर देती हूँ मैं। तो गाइस, सुबह को ना मैंने नाश्ता दे दिया है, और अब मैं करती हूँ तैयारी। ये देखो, ये रहे सोया चंक्स। इसमें सबसे पहले मिलाएंगे हम नमक, नमक 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 नमक, ये रहा नमक। तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे हम नमक। वैसे तो नमक मिला रखा है मैंने, थोड़ा सा मिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ। और अब हम इसमें मिलाएंगे रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर मतलब हम लेके नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं रखे रहती हूँ, ज़्यादा यूज़ करती नहीं, मैं ज़्यादा हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ। बस इसमें मिला दी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए बस। और इसमें थोड़ा सा मिलाऊँगी चाट पाउडर, चाट मसाला, चाट पाउडर बोल रही, चाट मसाला। और अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर अभी इसमें डालेंगे हम। तो इसको ना और क्रंची बनाने के लिए ना इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाऊंगी। चावल का आटा ना मैंने घर में ही बना रखा है, मतलब घर में ही यहाँ पीस रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल दिया मैंने बस। तो ये देखिए गाइस, मैंने सब कुछ ना मिक्स कर दिया और ये गिरते जा रहे हैं। तो चलो फिर इसको ना फ्राई करते हैं। चलो, और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, ये देखो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसको ना मैं अभी मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं तभी मैं सोया चंक्स को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते करते मुझे याद आया कि जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था इसमें कूट करके, वो तो मैं ऐड करना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, वो किसी और में काम आ जाएगा। और आपको बताऊँ, इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, ये देखो कसम से जो मैंने चावल का आटा ऐड करा ना, कॉर्नफ्लावर तो होता ही है, लेकिन जो थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर लो ना, उससे सब फ्रेंच हो जाते हैं। ये देखो, तो अभी ना सोया चंक्स सब फ्राई हो चुके हैं, ये सोया चंक्स, और ये कॉर्नफ्लावर
थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और पानी डाल करके मैंने ये पेस्ट भी बना दिया है। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला, एक चम्मच से कम डाला है, उसमें पानी डाल के इसका घोल बना दिया है। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल लगभग गर्म भी हो चुका है। तो चलो फिर अभी इसमें डालेंगे हम ये लहसुन और मिर्च। थोड़ा सा इसमें ये वाला भी पेस्ट डाल देती क्योंकि अंदर का फ्लेवर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और अभी हम इसमें साथ में ना ये भी डाल देंगे कैप्सिकम, इनको हम ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे सॉस, और सॉस में मैं डालने वाली हूँ टमाटो सॉस, बिना टमाटो सॉस, सोया सॉस और ये विनेगर। और मेरे पास ना चिली सॉस भी है, मैंने इसमें रेड चिली सॉस भी डाल दे, तो ये है नहीं मेरे पास। तो अभी शिमला मिर्च और प्याज को मैंने हल्का हल्का पका लिया है, तो अभी गैस को फ्लेम को लो कर दिया। अब इसमें डालेंगे हम नमक, तो अभी हमने इसमें नमक डाल दिया है और रेड चिली पेस्ट है ना मेरे पास सॉस, इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा दो चम्मच इसमें टमाटर सॉस और लगभग एक डेढ़ चम्मच विनेगर। और एक ढक्कन खुले विनेगर। और अभी इसमें हम ये वाला जो हमने घोल बनाया था ना कॉर्नफ्लावर वाला, वो इसमें डाल देंगे हम। पानी ना थोड़ा और ऐड कर देते हैं इसमें। तो अभी इसमें सारे सॉस ऐड करने के बाद अभी हम इनको डाल देंगे। तो ये देखिए ये पक्के तैयार हो गया है, इसको हम ना थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ये ना जो क्रिस्पी वाला हल्के सॉफ्ट हो जाए, क्रंची भी रहे और हल्के हल्के सॉफ्ट भी हो जाए। ये देखो वाओ, तो गाइस सोया चिली बनके तैयार हो चुके हैं। ये रही सोया चिली और नेगी जी भी आके आ गए हैं। तो चलो पहली बार कहाँ ट्राई कर रहे हो आप, बाहर नहीं खाया था हमने सोया चिली? हाँ 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 हाँ, पता नहीं इनको कैसा लगेगा। ऑनेस्ट रिव्यू देना, ऐसा फेक वाला नहीं। नहीं अच्छा हो रहा, आपको अच्छा लगा? पक्का? खाली ऐसे वीडियो के सामने बोल रहे हैं या सच में अच्छा हो रहा है? अच्छा रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मतलब सच में अच्छा हो रहा है। मैंने पहली बार ट्राई कराई है, पहली बार बनाया मैंने, तो अच्छा हो रहा है। आप भी खाओ, अच्छा अच्छा बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ईजी है इसको बनाना, सही हो रहा है। तो चलो नेगी जी को तो पसंद आ गया है और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नेगी जी मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभी आंटी सोई है, आंटी के लिए भी रखा है मैंने, आंटी सोई है अभी, जब उठेंगे तो तब दे देंगे। नेगी जी को जाना है ना, इसलिए जल्दी ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। तो गाइज अभी बज गया है शाम के 8 और अभी मैं और शुभी बाहर घूमने में लगे हैं। ये रही शुभी बच्चा और नेगी जी ना सुबह चले गए थे, मतलब नाश्ता करा उन्होंने, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चले गए थे। ये रहा शुभी बच्चा। शुभी हाय, शुभू हाय शुभू। ये रहा हमारा शुभी बच्चा, खेलने में लगी हुई अकेले अकेले और पूरे दिन भर आज ब्लॉग शूट नहीं करा, तो अभी बाहर घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं बता दूँ आपको, अभी पूजा आने वाली है तो मैं पूजा का वेट कर रही हूँ, देखो कब तक पहुँचती है। और बस अभी पूजा कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाली है और मैं पूजा का वेट कर रही हूँ, कब से अभी तक आई नहीं।
और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि जब पूजा आएगी फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या बनाना है, फिर मिलजुल के तो भी जल्दी बन जाता है। बस बाकी शुभी तो ये पत्थरों के साथ खेलने में लगी है। और हाँ, आप में से किसी का कमेंट आया था कि शुभी को ना सैंडल पहनाओ, तो पहनती नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ, मैं इसे पहनाती हूँ पहनती नहीं है। और दूसरा क्या है, एक ही सैंडल है इसको जो उसकी फिटिंग की है, बाकी सब छोटी हो चुकी है, और जो फिटिंग की है वो उसको पसंद नहीं आती, कभी कभी मूड होता है तभी पहनती है वरना नहीं पहनती। और हमने शुभी के लिए यहाँ पर बहुत देख लिया, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आता है शुभी के लिए फुटवेयर। क्या हुआ शुभी? अच्छा, वहाँ पर खेल रही है। तो अभी देखो अगर कुछ यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, वरना अब हम लोग घर जाने ही वाले हैं, बहुत जल्द घर जाने वाले हैं, तो फिर वहीं से देखेंगे। यहाँ से भी सामान भी ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं ले रहे हैं, बहुत सामान हो चुका है हमारे पास, बहुत ज़्यादा, कितना मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ ना, फिर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए भी अभी मैं ज़्यादा चीज़ें अब जोड़ नहीं रही हूँ बस। और हमारा शुभ बच्चा थक चुकी है, हमारा शुभ बच्चा थक गया है, थक गए आप, थक गए बताओ, ये रहा आपका ढक्कन, ये रहा, ये रहा, ये शुभी को देखो, शुभी किसको फोन मिला रही हो, पापा को? फोन काट दिया लोगों काट दिया क्यों? उधर से जो बाहर आने वाला है ना, हाँ वो आता है लेकिन अपन जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। अच्छा क्यों, बिल की वजह से? वैसे भी आप फोन कहाँ करते हो? करते नहीं, लेकिन लोग को धीरज नहीं है ना। हाँ तो बिल पहला ऐसा नहीं था, पहला कभी भी तुम भरो चालू रहता, चालू रहता, इन लोग ने नवा सिस्टम नहीं। अच्छा बंद हो गया ये वाला फोन, बताओ कि बोल रहे कि पहले बिल भरो तो फोन कर सकते हो। अभी आप धीरे धीरे करके ना वो मोबाइल की आदत डाल लो आप। शुभी कहाँ चल रही हो, नीचे उतरो, इसको निकालना पड़ेगा। ये फोन लगा दिया शुभी ने, किसको लगाया शुभी? औरत बात करेंगे, यही बरेला नहीं, बात मत करो। फोन वहीं पर रखो, वहीं पर रखो फोन। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, अच्छे से रखो, अच्छे से रखो। क्या कर रही हो शुभी? बाय बाय, शुभी जा रही है, प्लेन जा रहा ना शुभी का। शुभी रख दो फोन, प्लेन जाएगा, प्लेन। तो यहाँ पर ना लौकी को दूधिया बोलते हैं, है ना आंटी, दूधिया बोलते हैं ना, दिखाओ दूधिया कहाँ रखा है आपने। ये रहा दूधिया, ये देखो लौकी को बोला जाता है यहाँ पे दूधिया, और पूरे पैक करके मिलती है, हमारे वहाँ ऐसे पैक करके नहीं, नहीं मिलती, नहीं इधर भी कोई कोई नहीं, लेकिन अभी ना बहुत साल से ये चिकना है ना। नहीं शुभी तो नहीं, उसको नया दिख रहा है ना कुछ, ये क्या है मेरे बराबर छोटा छोटा। शुभी दूधिया की सब्जी बनाओगी आज? इसको कहीं दूधिया बोलते हैं, कहीं लौकी और कहीं घिया। हम लोग तो मराठी में भोपला बोलते हैं। भोपला, अच्छा आज नया नाम। ये हिंदी में की किस्म लौकी, लौकी बोलते हैं, और कोई दूधिया बोलते हैं। अच्छा भोपला, हम लोग भोपला, भोपला बोलते हैं इसको, देखो मराठी में जो रहता है ना बड़ा वाला गोल। हाँ हाँ हाँ, गोल ऐसी होता है जो, हाँ उसको कद्दू मतलब दूसरे लोग कद्दू, हमारे वहाँ तुमड़ी बोलते हैं, तुमड़ी। हाँ हम लोग ये बोलते हैं उसको, डांगर बोलते हैं, डांगर। अच्छा अच्छा, कद्दू तो वाला होता है जो अंदर से लाल होता है। हाँ आज संडे मार्केट थी तो आंटी सब्जी लेके आई है। ये शुभी बच्चा, शुभी क्यों बेटा फोन मिलाने में लगी हो? आंटी को दे दो लौकी, इसको फुलवर बोलते, फुलवर। अच्छा गोभी बोलते, इसको गोभी। अच्छा हमारे वहाँ पे इसको फूल गोभी, इसको पत्ता गोभी, गोभी के कांदा बोलते, गोभी का कांदा, को, अच्छा गोभी का कांदा, और ये फुलवरी, फुलवरी। ये शुभी बच्चा दो, दो। दादी को बात नहीं करनी है अभी, मैं बात किससे करूं? कुछ भी नहीं है बात करने को, वो नहीं, वो नहीं। ये इसकी स्माइल देखो, ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर।
बता कैसा लगा, कैसे लगा? वाह, एक बार करके दिखाएंगे, बोला एक बार करके दिखाएंगे, ये देखो। वो दो बैगों में हमने सामान पैक करके रख दिया है। रख दिया? वही विंटर वाला। अच्छा विंटर वाला जो चाहिए ही नहीं ना, वो पैक करके रख दिया है। तो गाइस अभी बज गया है रात के, कितना बज गया है, 9:30 बज गया है, और अभी हम ना अपने गली में से वॉक कर रहे हैं। शुभी बच्चा ये रही, ये रहा शुभी बच्चा। तो अंधेरा हो गया, अभी सामने लाइट है तो शक्ल आएगी। शुभी आ जाओ, बॉटल पकड़ के ऐसे। इसे खाने का भी लेके घूम रही हूँ मैं। वैसे तो इसने अभी खा लिया है, लेकिन ये जहाँ छोटी मोटी भूख के लिए ये। शुभी आ जाओ। और बच्चे यहाँ पे ना 11 बजे तक खेलते रहते हैं, 11-12 बजे तक आराम से। अभी छुट्टियाँ लग गई, छुट्टियाँ लग गई, और छुट्टियाँ नहीं भी थी ना तो ये लोग क्या टाइम से पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद खेलने के लिए आते हैं यहाँ पे। चलो शुभ आ जाओ।